बिना कहण ते उन्हां नूं जथेदार थापिया गया। 15 to 20 मिनट तक असीं इह सुणिया सीगा कि उत्थे जखारे लगदे। इत्थों तक सुणन मिलदा कि जथेदार साहब ने एक हफ्ते बाद उन्हां नूं स्वीकार कीता सी। अज वो जथेदार पिछले 28 साल तो जेलों में बैठा है तो असं आपके घर बैठे हाँ कि असं वाकई ही चाहते हैं कि साडा जथेदार बाहर आ। पिछली 7 जनवरी तो लगातार मोहाली चंडीगढ़ के बैरीयर के उपर कौमिन साहब मोर्चा लग्या होया और इस कौमिन साहब मोर्चे की जिहड़ी मंग है बंदी सिंघां की रिहाई के नाल कुछ होर सिखां दे जिहड़े मसले ने वो इस कौमिन साहब मोर्चे दे विच उठाए जा रहे हैं। तो कौमिन साहब मोर्चा इस दरम्यान जिस मोड़ के उपर है, हालांकि इस तो पहला लोगों की बहुत ज़्यादा शमूलीयत भी रही, लोगों की हुण शमूलीयत घटी है, पर कौमिन साहब मोर्चे का यह भी रोस है कि उस तरह का जिहड़ा कवरेज भी नहीं मिल रही, इस करके लोगों को पता भी नहीं लग रहा कि एक्टिविटी उत्थे हो रही है। तो हुण 15 अगस्त आ रही है, इसनों लैके कौमिन साहब मोर्चा एक वड्डा प्रोग्राम देन जा रहा। की है पूरा प्रोग्राम जाणांगे मेरे नाल एडवोकेट गुरशरण सिंह धालीवाल ने। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। 15 अगस्त नूं सब तो पहला तो जो कुछ तुसीं कॉल दित्ती है जी, उहदे बारे गल करो। देखो, जगतार सिंह हवारा जी ने एक चिट्ठी संदेश अपनी कौम के खातर भेजा, जिस उस कौम नूं यह संदेश भेजा गया, जिस कौम ने उन्हां नूं जथेदार थापिया गया सी, जिहड़ा उन्हां दे बिना कहण ते उन्हां नूं जथेदार थापिया गया। और 15 to 20 मिनट तक असीं यह सुनिया सीगा कि उत्थे जखारे लगदे रहे आ उन जदों उन्हां नूं थापिया गया जथेदार, ना कि उन्होंने ये कहा सीगा कि मैनूं कौम दा जथेदार थापिया जावे। इत्थों तक सुणन मिलता कि जथेदार साहब ने एक हफ्ते बाद उन्हां नूं स्वीकार किया सीगा, पर अज वो जिहड़े 7 to 10 लाख का कट्ठ सीगा, मैं उन्हां नूं पुछना चाहुंदा कि तुसीं कौम दे जथेदार नूं जदों थापिया सीगा उस तो बाद, अज वो जथेदार पिछले 28 साल तो जेलों में बैठा है तो असीं आपके घर बैठे हाँ कि असीं वाकई ही चाहते हैं कि साडा जथेदार बाहर आवे। जे तुसीं चाहुंदे हो कि कौम का जथेदार वाकई बाहर आवे तो तुसीं घरां चों निकलो अते 15 अगस्त नूं जिहड़ी जथेदार साहब ने अपील की है, जिहड़ा शांतिपूर्ण मार्च कढ़न की गल की है, उहदे वास्ते सड़कां ते उतरो अते मोहाली विखे जिहड़ा मार्च कढ़िया जाणा है कौमी इंसान मोर्चे वल्लों मार्च कढ़िया जाऊगा, उत्थे पहुँचण की कृपालता करे ता कि तुसीं वाकई जथेदार जगतार सिंह दे संदेश नूं अपील समझते हुए, उन्हां दा हुक्म समझते हुए इत्थे पहुँचो ता कि उन्हां नूं उन्नी इज्जत मिल सके जो जथेदार नूं मिलनी चाहिए। खास तौर पर होर चिट्ठी दे विच उन्होंने की जिक्र किया इस कॉल दे नाल? इस कॉल तो अलावा उन्होंने पहले दिन तो ही जो जिक्र करते, सब तो वड्डी गल जो जिक्र वो करते ने, वह करते आ कि सारिया संपर्कां जिन्हें जथेबंदियां ने, कोई ढाडी सिंह ने, कोई ग्रंथी सिंह ने, जां होर जो कोई वध तो गरीब इंसान और अमीर तो अमीर इंसान, कोई भी जथेबंदी जो इस श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं अपना ग्रंथ मानता है, रब मानता है, उसनू गुरु मानता है, वो एकत्रता होकर एक थां ते खड़े हो, एक निशान साहब के थले खड़े हो, उन्हां दियां वक्खरियां वक्खरियां संस्थावां ना बनन ता कि उन्हां नूं पता लगे, वाकई ही सरकारां नूं पता लगे कि ये जिहड़े लोग ने एक थां ते एक झंडे थले खड़े ने जो जथेदार साहब चाहुंदे, और जो जथेदार साहब नूं चाहुंना चाहीदा भी है। एक कौम का जथेदार हमेशा ही ये चाहूगा कि उहदी जिहड़ी जिहड़े लोग ने उन्हां दे थले जिहड़े एक जिहड़ा राज है वह एक लोग इकट्ठे होकर एक थां ते खड़े होण ता कि शांतिपूर्ण सारा कुछ उस राज्य विच रहे। अच्छा, यह भी है कि जदों ये मोर्चा शुरू होया पहले जिहड़े महीने सीगे उन्हां दे विच लोकां दी बहुत ज़्यादा शमूलीयत सी, वड्डे इकट्ठ हुंदे रहे, इत्थे 26 जनवरी नूं वड्डा इकट्ठ होया, तां हुण उस तरह का जिहड़ा लोकां दा वह जिहड़ा मोर्चे के प्रति आउण जाण विच है नहीं गया, जां शमूलीयत उस तरह की है नहीं? देखो, जिहड़े लंबे मोर्चे लगते आ उन्हां दा आपां इह लै के चल सकते हैं कि हमेशा ही उतराव भी आउंदे आ ते चढ़ाव भी आउंदे ने। उस टाइम पूरा पीक ते मोर्चा सीगा, हौली हौली जिवें जिवें लोकां दा इस तो पहला सीज़न का टाइम आ गया, लोगों ने अपनी कणक वढ़नी सी घर चले गए, उस तो बाद जिहड़ा झोने का टाइम आ हुण हड़ आ गए पिछे जे, सो लोग उस आपदे जिहड़े घरू घरां दे कम सीगे उन्हां च रुझ गए सीगे। सो ये हुण जिवें असीं पिंडां च जाने आ जिथे गल करदे आ ते हरेक पिंडां चों 1 to 2 ट्रालियां दी गल आउंदी आ, हरेक पिंड सानूं इह गल कह के तोरदा कि असीं 1 या 2 to 3 ट्रालियां भी तुहाडे मोर्चे विच हुण पहुंचियां शुरू होणगियां, और तुसीं आउण वाले दिनां च देखोगे कि इत्थे जिन्ना इकट्ठ पहला देखा जाता सी उस तो वध इकट्ठ इसे मोर्चे जी देखा जाऊगा। हुण तुसीं इहदे प्रचार लई पिंडां दे विच जा रहे हो कि लोक जिहड़े इस कॉल ते जिहड़ी 15 अगस्त दी कॉल है उहदे ते पहुंचण,
देखो सब तो वड्डी गल तुहानू पता होगा कि इस मोर्चे दे जिहड़ा कवरेज सीगी वह मीडिया थ्रू बहुत वधिया हुंदी सीगी। उस तो बाद जिहड़ी जिन्नी माड़ी घटना इस सरकार ने कीती है जिहड़ी सर हजे तक ऐसी सरकारां ने ऐसी घटनावां नहीं कीतियां सी जिन्नी गिरी हुई हरकत इस सरकार ने कीती वह अजे तक किसी सरकार ने नहीं कीती सी। इन्हां ने वह लोग वह चैनल्स जिहड़े इत्थे पहुँचते सीगे इत्थों दी फुटेज कवरेज लैके लोगों तक पहुँचाते हुंदे सी इन्हां ने मैनूं तो लगता कि 20 तों 25 चैनल ही बंद करते सी उन्हां दे बैन लाता सीगा। सो इस करके जदों ये सरकारां इन्नियां नीच हरकतां ते पहुँच जाण तां उदों सानूं चाहीदा सीगा असीं लोगों तक आप पहुँच के आपदी गल पहुँचाइए। इत्थों तक इन्हां ने पिंडां दे विच अफवाहां उड़ाइयां इत्थों तक गल्लां पहुँचाइयां कि मोर्चा उठ गया उन्हां दा समझौता हो गया लोग आपदे घरां नूं मुड़ गए ने पर नहीं जदों लोगों नूं जाके पता लगता और लोगों के मन च भी रोस आउंदा कि साढ़े तक इन्हां ने सरकारां ने झूठियां गल्लां तक पहुँचाइया ने पर अज लोग उठ के दोबारा फिर खड़े हो रहे हैं और वापस मोर्चे तक पहुँच रहे हैं। तुसीं देख रहे हो पिछले कुछ दिनों तो वाकई मोर्चे च जिहड़ी आपां कह दईए कि लोग जिहड़े लोग आ दिन भर दिन वधदे जा रहे हैं और आउण वाले दिनों च भी वधणगे और ये जिहड़ा मार्च होगा जिहड़ा जिद्दां 26 मार्च जनवरी का मार्च सीगा एक शांतिपूर्ण मार्च सीगा एक एग्जाम्पल सैट होई सी जो लोगों थ्रू लोगों ने की सी जो प्रशासन ने और सरकारां ने एक इमेज बना रखी है सिखां दे विरुद्ध कि जेडे सिख ने हमेशा ही अग्रैसिव गल करते हैं हमेशा लड़ाई झगड़िया पेंदे ने एक इमेज सैट कर चुके सीगे। 26 जनवरी नू वो इमेज तोड़ी उस तो पहला किसान अंदोलन ने वो इमेज तोड़ी 26 जनवरी नू ये इमेज तोड़ी कि किड्डी जिन्नी शांतिपूर्ण ये सिख रह सकते ने उन्ने वड्डा मार्च ना तो मोहाली की धरती दे अज तो पहला होया सीगा और ना इस तो हुण जिहड़ा 15 अगस्त तो पहला ना होना सीगा। सो इस करके 15 जनवरी नू भी ओडा वड्डा या उस तो वड्डी गिनती दे विच मार्च निकलूगा और वही भी शांतिपूर्ण होगा दोबारा फिर एग्जाम्पल सैट होगी 15 अगस्त नू तां कि एक फिर एग्जाम्पल सैट होगी कि जिहड़े सिख ने वो शांतिपूर्ण ही मार्च करदे और अपनियां गल्लां जिहड़े जिहड़ी उन्हां दियां मंगां ने वो पूरियां करवाउण वास्ते वो अग्रैसिव नहीं ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਪੁਰਨੀ ਵੀ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 30-30 ਸਾਲ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।